ऑफलाइन एग्जाम की बजाय जो अभी हमने देखा कि पिछले एक महीने में अलग अलग सरकारों के स्तर पर इस तरह की कोशिशें की गई हैं कि आप स्टूडेंट्स को अलग अलग माध्यमों का इस्तेमाल करके असाइनमेंट्स दीजिए और उन असाइनमेंट्स को रेगुलरली चेक कीजिए, एक उनका दस्तावेजीकरण कीजिए और संभावना इस बात की है कि महीने डेढ़ महीने के भीतर हालात अनुकूल ना हुए तो इन्हीं असाइनमेंट्स के आधार पर मूल्यांकन किया जाएगा। एक बात और विचार के तौर पर आई है कि केवल जो फाइनल एग्जाम है, जैसे 10th का एग्जाम है, 12th का एग्जाम है या यूजी डिग्री पीजी डिग्री का फाइनल एग्जाम है, उसको तो ट्रेडिशनली या ऑनलाइन माध्यम से कराने के बारे में विचार कीजिए और बाकी जो एग्जाम्स हैं उनको कैरी फॉरवर्ड करने की स्थिति या उनके जो पूर्ववर्ती एग्जाम है उनके आधार पर भेजा जाए, क्योंकि खास तरह के हालात उसी तरह से बच्चों की बहुत ज्यादा, हमको इस तरह से परीक्षा भी कारी परीक्षा भी लेनी नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा सफर कर रहे हैं, लॉकडाउन हमें दबाव स्ट्रेस उन पे भी है।